वेलकम टू श्रीधरी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी और टेस्टी और जो हेल्दी भी है पालक पनीर की सब्ज़ी। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम बनाते हैं पालक पनीर। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ एक कढ़ाई में 5 कप पानी। इस पानी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पालक। मुझे पालक सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाना है, पानी की ब्लांच करना है, मुझे इसे ओवर कुक नहीं करना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मैं इस पालक को पानी से निकाल लूंगी और मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर रही हूँ। ये हमारा बिल्कुल ठंडा पानी है, इसमें थोड़ा सा मैंने आइस डाल दिया है। अब मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल बरकरार रहे, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लगे। जब इसे ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। अब ये पालक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे निकाल करके मैं मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब मैं इसे इसके साथ में ग्राइंड कर दूंगी। मैंने यहाँ लिया है एक पेन, मेरा पेन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर के क्यूब्स जो मुझे फ्राई करने हैं। मुझे इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे फ्राई नहीं करना है। अब ये क्यूब्स हल्के से रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। पनीर क्यूब्स मैंने निकाल लिए हैं, मैं उसी ऑयल में 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल रही हूँ और ये थोड़ी सी लाल मिर्च है, ये क्रश किया हुआ दालचीनी है, ये 2 छोटी इलायची है, ये क्रश किया हुआ लौंग है। अब मैं इन सारे मसालों को मैं इसमें ऐड करूँगी और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच हींग। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज के चॉप ओनियन है और ये मीडियम साइज के कट किए हुए टमाटर हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि ये हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसमें अच्छा सा नमक का स्वाद भी आए। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए पकने दूंगी। अब ये टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुकी है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मिर्च पाउडर, आप कम तीखा खाते हैं तो कम ही डालें, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कश्मीरी मेथी है जो मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें पालक प्यूरी जो मैंने बनाया था, देखिए इसका कलर कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन आया है, मैं इसे इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर।
मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये हमारी घर की मलाई है, 1 टेबल स्पून मैंने मलाई ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बटर। अब ये मेरा बिल्कुल बनके तैयार है, बिल्कुल मलाई जैसा है एकदम। मैंने इसमें बटर डाला है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे नान, पराठे, रोटी, पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। अब मैं गैस फ्लेम बंद कर देती हूँ। मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये कितनी ही अच्छी बनी है। इसका कलर, ग्रीन कलर कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है, आप देख सकते हैं। आप इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करें। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।